गुड मॉर्निंग। आपके जीएस पेपर टू के नए सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं और बहुत हद तक पुराने अप्रोच से, खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्रित करके अगर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो की तैयारी की जाएगी तो वह तैयारी उन 20 प्रश्नों में तकरीबन 10 ऐसे प्रश्न होंगे जिनको करने में सफल नहीं होगी। और ये इतना बड़ा चेंज है जो 2013 के बाद से विद्यार्थियों की, तैयारी करने वाली प्रतिभागियों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, जो गाइडेंस दिया जा रहा है वहाँ पर भी ये टीचर्स भी ये बात समझकर अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, या फिर पुरानी चीज़ों को पढ़ाने की जो सुविधा है उस सुविधा से बंधे हुए। कहने का आशय ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 5 प्रश्न से, 6 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे। 10 के आसपास प्रश्न जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से होंगे, पॉलिटी से होंगे, और वो डायनामिक एस्पेक्ट से क्वेश्चंस हैं। जैसे आप ये पाएंगे कि जो जीएस पेपर 2 है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का जो पार्ट है वो मोटे तौर पर टॉपिक नंबर 1-6 है, और लास्ट इसका जो लेग है आईआर का वो टॉपिक नंबर 16-20 है। जो इसमें बीच में जो है वो है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और पॉलिटी। पॉलिटी मींस पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट पॉलिटिकल साइंस एंड नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटी का मतलब राजनीति भी नहीं है और राजनीति विज्ञान भी नहीं है, यह राजनीतिक व्यवस्था है। तो अगर कुल 20 प्रश्न आ रहे हैं, अगर आईएएस के पर्चे की बात करें तो उन 20 प्रश्नों में आप देखेंगे कई बार यहां से तो 2-3 सवाल आए, बाकी 17 सवाल इधर से। गलती बच्चों से क्या हो रही है वो ये हो रही है कि इस पर मैक्सिमम इनपुट दे दे रहे हैं। वही अपना लक्ष्मीकांत माला जाप चल रहा है, सवाल नील बटा सन्नाटा है, ये भी है। और मास्टर चूंकि प्री वाला जो पढ़ाता है उसी को मेन समय अपना राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब बदल बदल कर पढ़ा दे, बच्चा भी खुश, मास्टर भी खुश। वो तो बच्चा जब एग्जाम में जाता है लिखने तब उसको पता लगता है कि लम्हों ने खता कर दी है और अब सदियों को सजा पाना है। इसलिए सबसे पहली बात है कि मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। किसी भी चेंज के पहले क्या होना चाहिए, मानसिक रूपांतरण, कि करना क्या है, क्यों कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटा था कि मैं फेडरलिज्म पहले पढ़ाता, पंचायती राज पढ़ाता, फिर समितियां आयोग पढ़ाता। अब इसमें पॉलिटी में भी आप देखेंगे कि गंगा और यमुना में पानी अलग अलग बह रहा है संगम तक आने तक। यहां पर प्रेशर ग्रुप्स से सवाल है जो मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट किया, प्रेशर ग्रुप 2-3 सवाल पूछ लिए गए, अच्छे सवाल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से सवाल है, स्वयं सहायता समूह से सवाल है, एनजीओ से सवाल है, ट्रिब्यूनल्स से सवाल है, अधिकरण से सवाल है,
कमीशन से, ट्रिब्यूनल के साथ साथ कमीशन से सवाल है। आयोग से सवाल है और अच्छे सवाल हैं। मतलब यहां पर यह भी है कि इनसे एक सवाल हर साल, कई बार दो सवाल। एक सवाल तो निश्चित है, इन चार टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे एक सवाल आपको मिलेगा निश्चित रूप में। एक और बात है, पॉलिटिकल पार्टीज से सवाल है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनसे सवाल है। इसका मतलब कि तैयारी का जो एक स्कोप, जो क्षेत्र होना चाहिए वो ये होना चाहिए। पहले भी मैंने बताया था कि फेडरलिज्म से एक सवाल आपको मिलेगा, लोकल बॉडी से, स्थानीय निकाय से एक सवाल आपको मिलेगा, और जितने भी आयोग हैं उनसे एक सवाल आपको मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा से, ये गवर्नेंस से भी सोशल जस्टिस से भी जुड़ा हो, स्वास्थ्य और शिक्षा से एक सवाल मिलेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि वो पांच टॉपिक ढूंढे जाएं जिनसे पांच सवाल तो जरूर मिलेंगे। तो स्वास्थ्य और शिक्षा से एक एक सवाल हर साल है, आयोग से एक सवाल हर साल है, संघवाद से एक सवाल हर साल है, स्थानीय शासन से हर साल एक सवाल पूछा गया है। अब अगर मान लीजिए कि मैं केवल संसद, न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उन्हीं को केवल तैयार करके जाता हूं तो ऐसे सवालों को हल करने में मुझे मुश्किल पेश आएगी। तो एक तो है कि वो पांच टॉपिक्स उनको, और ये जो प्रेशर ग्रुप है इस पर दो सवाल पूछे गए, पहले वो दो सवाल लेंगे आईएएस के, और उन दो सवालों के बाद आपका टॉपिक है प्रेशर ग्रुप वाला जो टॉपिक है उसमें एक और टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस, औपचारिक और अनौपचारिक संघ। राजनीतिक दल जो है वो औपचारिक संघ है, दे आर फॉर्मल एसोसिएशंस। तो हमें राजनीतिक दल भी पढ़ना होगा और इस पर सवाल पूछे गए। कहीं भी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि प्रिय विद्यार्थियों राजनीतिक दल पढ़ के आना, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो राजनीतिक दल से भी संबंधित रहेगा, तो राजनीतिक दल को कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रेशर ग्रुप से कुछ दो सवाल हैं, उन दो सवाल को, क्योंकि जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूं अतः मुझे करना चाहिए। वैसे ये संकल्प की स्वतंत्रता का कांट का वक्तव्य है कि मैं दान दे सकता हूं इसलिए मुझे दान देना चाहिए, मैं नाले को फांद सकता हूं इसलिए मुझे नाले को फांदना चाहिए। तो यहां पर क्या है, प्रेशर ग्रुप से जो जुड़ा हुआ सवाल है, एक सवाल, जैसे आईएएस मुख्य परीक्षा की बात करें तो एक सवाल 2013 में जैसे ही नया पाठ्यक्रम आया उसमें आया, और एक सवाल 2017 में आया, और भी एक दो सवाल आए हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसमें पूछा गया कि दबाव समूह जो है अनौपचारिक दल की तरह होते हैं, और इस सवाल को 2013 और 2017 के सवाल को आप देखेंगे तो ज्यादा आपको अंदाजा लगेगा या अनुभव होगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। 2013 का पेपर नंबर टू जब आप खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पीछे दिखाई पड़ रहा है, आवाज अभी भी पैदा हो रहा है। प्रभावक समूह राजनीति को कभी कभी राजनीति का अनौपचारिक मुख पृष्ठ माना जाता है, इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब यहां जो सवाल आया है वो सवाल है, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स, विथ रिगार्ड्स टू द अबव असेस द स्ट्रक्चर
एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। यूपीपीसीएस में सवाल आएगा तो दबाव समूह की संरचना और कार्य प्रणाली, टिप्पणी 125। आईएएस में आएगा तो थोड़ा एक लाइन कि आप हल्के में मतलब भाई आईएएस तो क्या है, ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि नीचे वाली लाइन को न जोड़ा जाए। अब ऊपर वाली लाइन का आप कह रहे हैं कि कभी कभी, तो ये कोई हिंदी फिल्म का गीत थोड़ी चल रहा है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो हमेशा होगा वो ना माना जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं है, इट्स नॉट एन एसेंशियल फीचर, ये कोई एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है जो कभी होती है और कभी नहीं होती है, कभी कभी माना जाता है। हम लोगों का सरोकार कभी कभी वाले से कम है, लेकिन ये जो है संरचना और कार्यप्रणाली का आकलन करिए। तो इस क्वेश्चन को लिखिए आप 2013 आईएएस संक्षिप्त में लिखिए, दबाव समूह संरचना व कार्यप्रणाली, दबाव समूह संरचना व कार्यप्रणाली। और 2017 का सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4 को देखिए आप, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं, लॉबिंग करके प्रभावित करते हैं, प्रोपेगेंडा करके प्रभावित करते हैं, ये सब क्या है, चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से भागीदारी करके प्रभावित करते हैं, कल ही मैंने आपको बताया। दरअसल सरकार से अपनी नीतियों को मनवाने के लिए वे दबाव के परंपरागत और आधुनिक तरीके अपनाते हैं। तो एक तो इसका उत्तर ये होगा। और क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप से उभरे हैं? इसका मतलब कि विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि अनौपचारिक दबाव समूह क्या होता है और औपचारिक दबाव समूह क्या होता है। औपचारिक को अंग्रेजी में फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल का मतलब होता है जो रूल बेस्ड हो, इनफॉर्मल का मतलब होता है जो किसी निश्चित नियम पर आधारित ना हो। अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि जो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन जो होते हैं, वो आंदोलन कई बार राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी राजनीतिक दल को, शासन को दबाव डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। 2 अप्रैल 2018 का दलित विरोध या दलित अपराइजिंग, जिसमें उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, उस वर्डिक्ट का उन्होंने विरोध किया पूरे भारत पर, पूरा भारत बंद रहा। और उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई कि नहीं आई, सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाया, दबाव समूह का काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो औपचारिक दबाव समूह नहीं है। इसका मतलब कि पॉलिटी के विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि जितने सोशल मूवमेंट हैं वो इनफॉर्मल हैं, और मूवमेंट होने के नाते वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, संगठित नहीं है, लेकिन फिर भी वे राजनीति पर, सत्ता पर, शासन पर अपनी बातों को मनवाने के लिए विरोध, अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। भारत में दलित अपराइजिंग पिछले वर्षों जिसकी बात की गई, इंडिया टुडे ने पूरी एक कवर स्टोरी निकाली, मंदसौर और भारत के दूसरे क्षेत्रों में किसान आंदोलन जिसके बाद किसानों के ऋणों को माफ करने के लिए और किसान सहायक नीतियों के लिए बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए शासन के द्वारा भी, और चुनावी घोषणा पत्र में भी वो चीजें क्या हुई, शामिल हुई किसान आंदोलन। एंड व्हाट अबाउट द मी टू मूवमेंट? भले ही दुनिया के दूसरे देशों से मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में कई हस्तियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो मी टू मूवमेंट ने एक दबाव डाला कि नहीं डाला? डाला ना, अनौपचारिक में ही उदाहरण लेंगे आप। फिर इसके साथ ही लोकपाल का आंदोलन, उसने भारत में कानून बनाने के लिए दबाव डाला। चिपको आंदोलन,
आरक्षण, जाट आरक्षण और दूसरे आरक्षण के मामले, तो जितने इस तरह के चीजें हैं वे सभी क्या हैं? औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में क्या है? ये सामाजिक आंदोलन अनौपचारिक दबाव समूह की तरह कार्य करने लगते हैं कई बार, और इसलिए जितने सामाजिक आंदोलन हैं उन आंदोलनों की चर्चा करते हुए हम एक जिक्र करेंगे और हमें बताएंगे कि इन्होंने नीतियों को किस तरह से प्रभावित किया है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए इस प्रश्न को हल कराना जरूरी था। अब यहाँ पर क्या है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि भाई क्या उनका तरीका है। इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, आईएएस 2017 का प्रश्न, दबाव समूहों का राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव, दबाव समूहों का राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव और अनौपचारिक दबाव समूहों का औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि एक प्रश्न के दो हिस्से हैं, एक है दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रम को, प्रोसेस को, राजनीतिक प्रक्रम पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, उनके काम करने का तरीका ही। तो अगर केवल प्रभाव पूछा जाता है तो हमें बताते हैं कि ये प्रभाव पड़ता है, नीतियों पर प्रभाव पड़ता है और कानून पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उनकी कार्यविधि पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है? कार्यविधि और उनका यह तरीका पूछा जा रहा है। और प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है ये IAS 2017 का सवाल है। प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वो कह रहा है कि अनौपचारिक जो दबाव समूह हैं, वह ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट लिखना है इसमें, उनकी कार्यविधि क्या है, लॉबिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, एक कार्यविधि क्या है, एक कार्यविधि का तरीका क्या है कि वे राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करने के लिए कुछ मांगे करते हैं और मांगों को करने का तरीका क्या होता है। तो कई बार बिल्कुल सीधा तरीका होता है, तो यहाँ पर लॉबिंग, प्रचार, आयोजन या मीटिंग, प्रदर्शन, ये सब क्या है, इनके तरीके हो गए। और ज्यादा शक्तिशाली हैं अनौपचारिक दबाव समूह, ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप बात यहां पर समझिए कि ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप में भी ग्रुप है और किसी सोशल मूवमेंट में भी ग्रुप होता है, लेकिन सोशल मूवमेंट और ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में फर्क क्या हो सकता है? सोशल मूवमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो किसी निश्चित नियम के तहत बना हो, जबकि फिक्की, एसोचेम, सीआईआई, एटक, इंटक, इनके क्या होंगे, ये निश्चित नियम होंगे, इनका निश्चित उद्देश्य भी एक समय क्या है, किसी मुद्दे की प्रतिक्रिया के रूप में भी सामाजिक आंदोलन खड़े हो जाते हैं। तो सामाजिक आंदोलन जो है ये क्या हो गए, अनौपचारिक दबाव समूह हो गए सामाजिक आंदोलन। अब इसमें क्या है, ज्यादा शक्तिशाली बन के उभरे हैं। रजनी कोठारी ने कहा कि भारत में पहले जो दबाव समूह थे वे राजनीतिक दलों की संरचना से क्या थे, संबद्ध थे। पहले जो वो राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, लेकिन 60 और 70 के दशक में
भारत की राजनीति में अभिजन वर्गीय प्रधानता होने के कारण धीरे धीरे जो मास था, जो जनपुंज था, जो जनता थी, उसका मोहभंग हुआ और इसलिए उस राजनीति की औपचारिक प्रक्रियाओं के बजाय वो दरअसल सामाजिक आंदोलनों के द्वारा अपनी मांगों को व्यक्त करने लगा, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को व्यक्त करने लगा। चिपको आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक दल से, किसी खास राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं था और बहुत सफल आंदोलन था जिसने भारत में इन्वायरमेंटलिज्म की क्या कर दी, शुरुआत कर दी कि आप पॉलिसीज को बनाने में इन्वायरमेंट के इश्यूज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन क्या चिपको आंदोलन को हम फॉर्मल प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं? नहीं। तो अब यहाँ पर जितने सोशल मूवमेंट हैं, जैसे जो पर्यावरणीय आंदोलन है, उन पर्यावरणीय आंदोलनों में चिपको की चर्चा करनी पड़ेगी। चिपको आंदोलन, दलित उभार, ये जो दलित उभार है, दलित अपराइजिंग है, ये पीओए एक्ट 1989 के अगेंस्ट हुई या 1989 को लेकर जो वर्डिक्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे दलितों को लगा कि उनके अधिकारों को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उनकी स्थिति को नहीं समझा जा रहा है और पूरा एक बहुत बड़े पैमाने पर दलितों के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर बंद का आयोजन किया गया जो बहुत हद तक सफल भी रहा। दलित उभार, ये पीओ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। पीओ एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। और मैंने आपको कई बार बताया है कि इसको उत्तर भारत के कई राज्यों में हरिजन एक्ट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इसको स्पेशली लगाया गया है, अध्ययन करके आप आइए। तो इसी को, इसका पूरा नाम क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये दलित उभार हुआ। दलित उभार का क्या परिणाम रहा? दलित उभार का ये परिणाम रहा कि कुछ कानूनों को लेकर जो सरकार संशोधन करने के बारे में या सरकार जो न्यायपालिका ने वर्डिक्ट दिया था, निर्णय दिया था, उसको लेकर सरकार दलित संवेदनाओं, पक्षों और विरोध को समझते हुए सरकार अब आगे नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आई। तो यहां पर दलित उभार, किसान आंदोलन, चाहे वो मंदसौर का हो या फिर दूसरे क्षेत्रों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके जो किसान आंदोलन रहे हैं, ये किसान आंदोलन भी 2017-18 में प्रमुखता से उभरे। इन्होंने कृषि नीतियों को प्रभावित किया या नहीं किया, और कृषि नीति सरकारी नीति है तो दबाव समूह भी सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए डिमांड करते हैं, दबाव डालते हैं। और ये सोशल मूवमेंट ही क्या कर रहे हैं यहां पर, किसान आंदोलन, पिछड़े वर्गों के आंदोलन, जो पिछड़े वर्गों के आंदोलन हैं, चाहे वो आरक्षण की मांग को लेकर रहे हो या कुछ उस आरक्षण की मांग को लेकर जो केंद्रित थे, उन आंदोलनों को भी हम यहां पर ये देखेंगे कि उनके वजह से सरकारों के ऊपर दबाव आया। और चाहे वो जाट आरक्षण को लेकर सरकारों ने कोई स्टैंड लिया या नहीं लिया या यथास्थिति बनाए रखी, ये सब चीजें क्या है, ये सब बताती है कि वे भी प्रभावित कर रहे हैं। वह क्या है, प्रभावित कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट मी टू मूवमेंट? स्त्रियों ने अपने एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को, अपने खिलाफ जो भी वास्तव में शोषण हुए हैं, दुराचार के प्रयास हुए हैं या दुराचार हुए हैं, उसको उन्होंने अभिव्यक्त करना शुरू किया। सोशल मीडिया के द्वारा ये अभिव्यक्तियां आगे बढ़ी और भारत में एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब इसने भी हमारी पॉलिसीज को कम से कम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में स्थान देते समय ये कंसिडरेशन में तो रहेगा। इसका मतलब क्या है? अब यहां पर आप देखें ग्लोबलाइजेशन कैसे
की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि ग्लोबल मूवमेंट था और भारत में इसकी एंट्री लेट हुई। लेकिन भारत में जब भी इसकी एंट्री हुई तो बॉलीवुड और इसके साथ ही हमारा राजनीतिक क्षेत्र दोनों का एक राज्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर मीटू मूवमेंट और सबसे सशक्त लोकपाल आंदोलन, लोकपाल आंदोलन। जो काम वास्तव में छात्र संघ, श्रमिक संघ, किसान संघ ये नहीं कर पाए, महिलाओं के जो समूह थे वो नहीं कर पाए, वो काम क्या किया? इन आंदोलनों ने किया। तो इस सवाल का उत्तर मिल गया आपको, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ऐसे ही। अब यहां पर आपको क्या करना है, सोशल मूवमेंट की थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको। सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट की विशेषताएं क्या हैं, सोशल मूवमेंट के इम्पैक्ट के बारे में हमने क्या है आपको यहाँ पर बताया। तो अब इस क्वेश्चन का पहले मैं उत्तर लिखवा देता हूँ, सोशल मूवमेंट बता देता हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 2017 का सवाल था, ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल की चीज़ों को जो आपने अखबारों में पढ़ा है। एक है कि आप अखबार में ये पढ़ते हैं कि मीटू मूवमेंट क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, हॉलीवुड से शुरू हुआ, हॉलीवुड के एक निर्देशक के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे वह क्या है इंडिया। और देखिए किस तरह से हमारा जो सोशल स्पेस है वो बदल रहा है। ये सोशल मीडिया का कैंपेन था, सोशल मीडिया का जो कैंपेन था इसने हमारे पब्लिक पॉलिसी को और पब्लिक एथिक्स को दोनों को क्या किया, इसने प्रभावित किया, दोनों को इसने प्रभावित किया। तो ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर भी हमें प्रभावित कर रहा है। इसका